My lovelies, welcome back to my channel and this is me Urishita. Hope you all are fine and doing great. सबसे पहली वाली बात कि आप लोगों ने अगर किसी ने भी मेरा बर्थडे वाला व्लॉग मिस कर दिया तो प्लीज फटाफट से चेक कर लो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। मेरा इस साल का बर्थडे ना बहुत 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 ज्यादा सरप्राइजिंग रहा मेरे लिए, क्योंकि मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा मेरे बर्थडे पे। जस्ट खुद को थोड़ा सा पैम्परिंग एंड घर में ही फैमिली के साथ थोड़ा सा मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करने वाली थी, बट जो हुआ अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। बहुत सारे प्रीटी से सरप्राइज मिले मुझे। सो बेसिकली आप लोगों ने इस वीडियो का लोगो एंड थंबनेल देख के समझ लिया कि आज का वीडियो क्या होने वाला है। मैं आज आप लोगों से शेयर करूंगी मेरी बर्थडे गिफ्ट दिखाऊंगी। उस दिन के व्लॉग में सारा कुछ तो हुआ पर जो गिफ्ट्स थे ना बहुत ज्यादा स्पेशल थे, बट वही मैं मिस कर गई आप लोगों को ठीक से दिखाने में। तो आज मैंने सोचा क्यों ना सारे गिफ्ट्स लेके बैठ जाऊं एंड आप लोगों को ठीक से दिखा दूं। एंड थैंक्स फॉर देम फॉर मेक माय डे मोर स्पेशल। जो भी ये व्लॉग देख रहे हो सभी को मैं बोल रही हूँ थैंक यू सो मच मेरा ये डे इतना ज्यादा स्पेशल करने के लिए। एंड मोस्टली मेरी माँ, मतलब आई कांट एक्सपेक्ट कि वो इतना ज़्यादा कुछ कर पाएगी, वो भी मुझसे छुपा के, क्योंकि जो भी होता है मैं हम माँ बेटी के बीच ना एकदम क्लियर होता है, सब हम दोनों जान पाते हैं। एंड आई एम शॉक्ड कि ऐसा मुझसे छुपा के वो इतना कुछ कैसे कर बैठी। एंड पापा भी उसमें शामिल हो गए, वो भी बहुत सारा कुछ प्लान कर दिए मेरे लिए। सो वो खुद जाके मेरे लिए केक लेके आए। मैं तो इस बार केक भी कट नहीं करने वाली थी क्योंकि मूड थोड़ा सा मेरा ऑफ था, मम्मा को पता है। सो उसीलिए शायद उन्होंने मेरा मूड भी थोड़ा सा ठीक करने के लिए, जो भी हो मेरे लिए ये जो डे था, मतलब मैं आज 18 सितंबर बैठ के आप लोगों से बात कर रही हूँ, कल मेरा बर्थडे था। सो बर्थडे वाला व्लॉग तो चला जाएगा, उसके बाद ही ये अपलोड करूंगी। प्लीज आप लोग चेकआउट कर लेना, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सा व्लॉग है, बहुत ज्यादा अच्छा भी व्लॉग है, क्योंकि मेरे लिए जो स्पेशल है आई होप आप लोगों के लिए भी वो अच्छा होगा, कुछ तो अच्छा लगेगा उस वीडियो में। सो प्लीज चेक आउट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो चलो बहुत बातें कर ली, अभी स्टार्ट करती हूँ मेरे गिफ्ट्स आप लोगों को दिखाना, इसके लिए आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। सो फर्स्ट जो गिफ्ट है ये मुझे दिया है मेरी लेडी लव ने, मतलब माम ने, मेरी बेस्टी ने। सो देख सकते हो कितना ज्यादा प्रिटी है। एंड ब्लॉग में अगर जिन्होंने भी देखा होगा मेरा रिएक्शन, इसको देख के मेरे गोजबम्स आ गए थे। आई एम टोटली शॉक, कोई गिफ्ट इतना प्रिटी कैसे हो सकता है। उसने इतना दिमाग लगा के एंड इतना मेहनत किया ना इसके पीछे, जो उसने मुझे बाद में बताया, बट आई जस्ट लव इट। एंड देख सकते हो मेरी पिक्चर लगी हुई है, बहुत ज़्यादा प्रिटी है। एंड ऐसा फ़ोन का कवर मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम है, मतलब फर्स्ट मुझे मिला है, विच इज़ मोर स्पेशल। एंड या मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। सेकेंड आइटम है वो है ये देख सकते हो आप लोग। सारा गिफ्ट मैं नहीं दिखा सकती, सारा सरप्राइज भी मैं नहीं दिखा सकती, क्योंकि सब कुछ तो मैं अभी तक नहीं रख दे पाती ना। कुछ कुछ चीज़ ऐसे होते हैं जो दिल के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है, एंड वो स्पेशल ही रहेगा मेरे लिए। मेरे माँ ने अपने हाथों से मेरे लिए बहुत सारा कुछ खाने को बनाया, जो भी मुझे पसंद है, एंड मैंने बहुत ही मज़े से वो खाया। उसका पिक्चर मैं शो कर रही हूँ आप लोगों को। बंगाली ट्रेडिशन में, प्रॉपर बंगाली ट्रेडिशन में मम्मा ने मेरे लिए थाल बनाई, एंड विच इज़ बहुत बहुत यमी यमी था। ये वाला है, तभी मैंने माँ ने मुझे दिया था ये वाला ड्रेस, बहुत ज़्यादा प्रीटी गाउन है। माँ ने ये ना शायद ऑनलाइन ही परचेस किया, एंड मुझे इतना सा भी समझने नहीं दिया कि कुछ आ रहा है या फिर कुछ, एकदम छुपा के एकदम ऐसे कर दिया माने। सो बहुत बहुत प्रिटी सा एक गाउन है, ड्रेस बोल सकते हो आप लोग, बर्थडे ड्रेस। इसका स्लीव भी बहुत ज़्यादा प्रिटी है, ऐसा स्लीव है, मैंने पहना भी हुआ है, देख लो जाके, व्लॉग में बहुत ज़्यादा प्रिटी दिख रहा था। एंड इसका कलर भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, ना पर्पल है ना मरून है, बहुत ही प्रिटी काइंड शेड है इसका। सो एंड इसके साथ माँ ने मुझे दिया चॉकलेट क्रूको, मैं उसे बाद में दिखाती हूँ। सो ये भी मुझे दिया मेरी लेडी लव ने, एंड उसने ना मैं काउंट नहीं कर सकती, इतना 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 सारा गिफ्ट दिया है। एंड जो सरप्राइजेस था उसके पीछे वो भी लास्ट में आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। सो बहुत ज़्यादा प्रिटी सा एक ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है, उसको पता था कि मैं ऑक्सीडाइज पसंद करती हूँ, बट वो थोड़ी नर्वस भी थी, बट मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। देख सकते हो इसका इयर रिंग,
मल्टी कलर में है एंड इसका सेट है ओफ ओ माय गॉड, मुझे इतना ज्यादा पसंद आया। इसके साथ मैं बहुत जल्द एक मेकअप लुक करने वाली हूँ एंड आई ऑब्सेस्ड विद ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी, सो और कुछ बताने की तो जरूरत नहीं है कि मुझे ये कितना ज्यादा पसंद आया। अभी जो फोर्थ आइटम है वो है, एक मिनट रुको, जो कि है ये मुझे दिया बाबा ने, उन्होंने अपने हाथों से इसे प्रिपेयर किया है, आप लोग देख सकते हो, क्योंकि हमारा गोल्ड का बिजनेस है, बाबा खुद के हाथों से ही बनाते हैं। बहुत ज़्यादा प्रीटी है, इसे कल की पार्टी में ही पहन चुकी हूँ एंड मुझे ये इतना 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 ज़्यादा पसंद आया। ट्रस्ट में हमारे घर में जो कुछ भी होता है ना, मेरे सामने ही होता है, मुझे बोल के ही होता है, पर ये इतना सरप्राइजिंगली मुझे मिला, आई लव इट, देख सकते हो बहुत ज़्यादा प्रिटी है। इयररिंग, छोटा सा इयररिंग बाउटी टाइप रिंग है एंड उसके नीचे ना छोटे छोटे दो झुमके हैं, झुमके के नीचे थोड़े बॉल चेन है, बहुत ज़्यादा प्रिटी है। एंड जो फोर्थ आइटम है बहुत ज़्यादा क्यूट सा, छोटू सा एंड प्रिटी सा है, देख सकते हो, ये है पॉपअप, जो कि ये भी मुझे दिया मेरी लेडी लव ने एंड इसके साथ ये दिया था, पर मैं इसे इसमें अटैच नहीं करूँगी, ख़राब हो जाएगा यार, मेरे दिल के इतने करीब है ये, सो मैं इसे अपने फ़ोन में किसी और कवर के साथ अटैच करूँगी। एंड उसको पता था कि मुझे एडिटिंग के लिए ना पॉपअप्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होते हैं, वो पता है कि मुझे कैसे चीज़ें पसंद है, ऐसे प्रिटी से एंड सटल से चीज़ें मुझे पसंद होते हैं, सो बहुत ज़्यादा एंटिक एंड प्रिटी है ये मुझे। थैंक यू मॉम, थैंक यू सो 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 मच इतने सारे गिफ्ट्स देने के लिए। एंड तू जो आई उससे भी मैं और ज़्यादा खुश हुई, वो भी मेरे लिए एक सरप्राइज था, आई लव यू। सो चलो अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो गिफ्ट्स दिखाऊंगी वो फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन्थ है, मुझे पता नहीं है, बट मुझे मिला है इतने सारे चॉकलेट। सबको पता है मैं चॉकलेट्स कितना ज़्यादा पसंद करती हूँ एंड ये मुझे दिया है माँ ने एंड ये दिया है दादा ने, दादा मतलब मेरी लेडी लव माम की दादा, मतलब मेरी भी दादा हुई ना, सो ये दिया है दादा भाई ने एंड ये दिया है मेरी बाबा ने फिर से मुझे एंड ये दिया है मेरी एंग्री बर्ड ने मुझे दिया है। सो हाउ मेनी चॉकलेट्स आई वांट, बर्थडे भी अगर चॉकलेट्स ना मिले तो वो बर्थडे ही क्या, एंड एवरीवन्स नो कि हाउ मच आई लव चॉकलेट, सो या आई लव दिस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर दिस मेरी चॉकलेट। एंड जो अभी पता नहीं ये लास्ट आइटम है या नहीं, आप लोगों से ये शेयर कर रही हूँ, ये भी मुझे दिया है मेरी बेस्टू ने, सो देख सकते हो मैंने वीडियो में भी पहना था, उसने मुझे ना पागल कर दिए, बहुत बहुत सारे चिट्स एंड लेटर्स देके उसमें बहुत सारा कुछ लिखा हुआ था कि वहाँ जाओ यहाँ जाओ एंड मैं सारे लेटर्स मतलब सारे चिट्स पढ़ती गई एंड मुझे एक एक करके गिफ्ट मिलता गया, सो वो वाला सरप्राइज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। सो कुछ मिल जाना एंड उसे हासिल करना ढूंढना, उसमें एक अलग सा मज़ा है, एक अलग सी क्यूरियसिटी है, सो वो बहुत ज़्यादा पसंद है एंड आई लव सरप्राइजेज, ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ आप लोगों को, आई लव सरप्राइजेज। एंड उसने लास्टली मुझे ये वाला दिया, तो ये वाला था एक बहुत प्रिटी सा बर्थडे गाउन जो कि उसने मुझे गिफ्ट किया एंड तभी मुझे वो पहना के लेके आई एंड की कट करवाया, जिद्दी है बहुत बंदी, बहुत ज़्यादा जिद्दी है एंड पागल भी है, सो बट जो भी हो वो मेरे दिल के छोटे से कोने में रहती है ना, जो कि मेरी बेस्टी है, सो उसने मुझे ये गिफ्ट किया एंड ओफ ओ माय गॉड, ये पहन के ना मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई कि मुझे देख के वो शॉक्ड हो गई कि ये इतनी खुश हो रही है, या फिर मतलब वो कंफ्यूज थी ना, उसको भी डर था कि ये मुझे पसंद आएगा या नहीं, कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, ब्लॉग में जाके हम दोनों का रिएक्शन आप लोग देख लो, समझ आएगा आ जाएगा सब। सो बहुत ज़्यादा प्रीटी सा गाउन है एंड आई लव इट। ये रहे वो चिट्स जो कि जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, बहुत सारे कुछ मैसेजेस लिखे हैं उसने, जो कि मतलब ओपन दी डोर, ऐसा ओपन दी बॉक्स, ऐसा कुछ, एंड जो बहुत ज़्यादा प्रीटी सा एक मैसेज है वो है, बार बार दिन ये आए, हैप्पी बर्थडे टू यू नेपू मेरी जान, वो मुझे नेपू ही बुलाती है, एंड पिक्चर देखो स्क्रीन में कि उसने केक पे भी ना मेरा नाम वैसा ही लिखा है, अब बुलाती है तो बुलाती है। एंड अभी जो स्क्रीन में आप देख रहे हो ये वाला गिफ्ट मेरे हाथों में अब तक नहीं पहुंचा है, वो लाना भूल गई, पर उसने अपने हाथों से ये मुझे मेरे लिए बना है, जो कि और एक स्पेशल पर्सन है मेरी, वो है मेरी लिटिल हर्ट, जिसको व्लॉग में आप लोगों ने देखा, मैं और ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, इंट्रोड्यूसिंग के लिए व्लॉग में जाके देख लो, उसने मेरे लिए एक गिफ्ट किया है एंड उसकी तरफ से एक केक भी मुझे मिला है जिसकी पिक्चर आप लोग ऑलरेडी देख लिया आप लोगों ने, सो
या गाइस, मेरे गिफ्ट्स इतने ही थे, बट बहुत सारे थे, बहुत सारे इतने नहीं थे ये। एंड इसके पीछे जो विशेस थे सबके, ऑनेस्टली बताओ तो गाइस, गिफ्ट उतना ज़्यादा मेरे लिए मैटर नहीं करता है, आप सबके प्यार एंड विशेस ही मेरे लिए ज़्यादा मैटर करते हैं। एंड मेरे बर्थडे में आप लोगों ने जो भी किया, फिर से अगेन एंड अगेन आप लोगों को बहुत बहुत सारा थैंक यू दिल से। आई होप आप लोगों को मेरे गिफ्ट्स अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, कुछ भी बुरा मत मानना। वीडियो जस्ट रैंडमली मेरा दिल किया कि आप लोगों से मेरी गिफ्ट शेयर करूंगी, तो इसीलिए रैंडम से वीडियो बना दिया। अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।